हम लोग तैयार हैं कलश यात्रा के लिए। गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स। तो बज रहे हैं 9:30 और आज है संडे। विश यू अ हैप्पी संडे टू यू ऑल। और यहाँ पे किचन में मैंने दूध उबालने के रख दिया है, सुबह की चाय वगैरह पी ली है। और अभी मैं बताती हूँ, मैं सुबह सुबह इतनी तैयार की हुई हूँ। पहले मैं आपको बताती हूँ आज के नाश्ते में क्या बन रहा है। आज के नाश्ते में बनाऊँगी मैं मैंगो शेक। और यहाँ पे मैंने रात को चने उबाल के रख दिए, सॉरी चने भिगो के रख दिए थे, इनको मुझे उबालना है। और यहाँ पे मैंने ये एक लेट कपड़ा ले लिया है, इसके अंदर चाय पत्ती डाल के इसको बांध के इसके मतलब चने के साथ उबाल लूँगी। और बच्चों के नाश्ते में बनाऊँगी मैंगो शेक और ब्रेड का नाश्ता। और आज है 18 जून और आज मेरी सोसाइटी में होली है श्रीमद् भागवत कथा। और अभी कलश यात्रा में मुझे जाना है, तो थोड़ी सी प्रिपरेशन करके लंच की जाऊंगी, छोले उबाल के रख दूंगी और बच्चों का नाश्ता बना दूंगी और तैयार हो रही हूँ। और बस 10-15 मिनट में शुरू होने वाला है कलश यात्रा के लिए। सब लोग तैयार हो जाएंगे तो हम लोग सब जाएंगे और आप लोगों के साथ भी शेयर करूँगी। और फ्रेंड्स, स्टार्टिंग में कह रही वीडियो अच्छा लगेगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैंने अपने मंदिर में भी पूजा कर ली है और ये है मेरा कलश। नारियल ले लिया है और इसमें थोड़ा सा गंगा जल डाल के अब नीचे जा रही हूँ। आपको बैकग्राउंड में नॉइस भी आ रही होगी। पूजा स्टार्ट होगी, पहले कलश का पूजन होएगा, उसके बाद हम कलश यात्रा के लिए जाएंगे। तो हम लोग तैयार हैं कलश यात्रा के लिए, हमारे कलश भी तैयार हो गए हैं। दीपी भाभी जल्दी आओ। चलो, वो फलीभूत नहीं हो सकता क्योंकि जहां हम तिलक लगाते हैं ये आज्ञा चक्र होता है। ध्यान लगाने की स्थिति ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यम योगिनो, ध्यान लगाने की स्थिति होती है तो हमारे यही होती है दोनों प्रकृतियों। के द्वारा श्रीमद् भागवत कथा आज से प्रारंभ होने जा रही है। इन भाइयों को सूचित किया जा रहा है, आप भी इस कथा में आकर के और पुण्य और इसके भागी बने। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय।
पावे। ये थोड़ा ठंडा हो गया है, इसको मैं ग्लास में डालती हूँ और मैंगो शेक पीऊँगी। थोड़ा ही ले रही हूँ, ज़्यादा नहीं लेती। और फ्रेंड्स आपको दिखाती हूँ यहाँ पे छोले जो कलर करके लेती, कितना अच्छा कलर आ गया है। देखिए यहाँ पे बिल्कुल ब्लैक हो गए हैं ये, और इसमें अच्छा सा कलर आ गया है इसमें। और आपको एक चीज़ और दिखाती हूँ, यहाँ पे ना जब मैंने छोले उबलने के लिए रखे होंगे तो थोड़ा बहुत इसके अंदर से ना पानी निकला होगा। और ये देखिए मेरे कप्स की क्या हालत हो गई है, पता नहीं कैमरे में विजिबल है या कि नहीं, सारे में छींटे छींटे लग गए हैं, देखो ब्लैक ब्लैक, और पूरा किचन पूरा गंदा हो गया। तो ये सब मुझे साफ़ करना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए पूरे यहाँ पे भी ब्लैक ब्लैक स्पॉट आ गए हैं। तो ऐसे काम पड़ जाता है कभी कभी ना, कुकर में से पानी निकल जाता है, शायद मैंने थोड़ा सा पानी एक्स्ट्रा रख दिया होगा। और इस और कलश यात्रा में मैंने काफ़ी एंजॉय किया। इसके बाद शाम को 4 बजे भागवत में जाना है, उससे पहले मैं लंच बनाऊँगी बच्चों के लिए। अगर हो सकेगा ये वीडियो ज़्यादा लंबा ना है तो इसमें ही शेयर कर दूँगी, नहीं तो नेक्स्ट ब्लॉग में शेयर करूँगी। तो जल्दी से मैं नाश्ता कर लेती हूँ और इस वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। आपसे जल्दी ही मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बी हैप्पी, स्टे ट्यून्ड एंड बाय बाय।